है उसे वतन वापस भेजा जा रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभिनंदन ने जिस तरीके से पाकिस्तान में भी जाकर के बहादुरी का परिचय दिया और पाकिस्तानी सेना की गिरफ्त में होने के बावजूद उनके हौसले कमजोर नहीं हुए, ये जो हौसलों का प्रदर्शन है ये किसी एक अभिनंदन का नहीं, पूरी भारतीय सेना का है। और इस गौरव के पीछे और इस यूं कहा जा सकता है कि बहादुरी के पीछे अगर कोई सबसे बड़ी वजह है तो वो यही है कि पूरा देश अपने तमाम अभिनंदनों के पीछे खड़ा हुआ है। जिस बेसब्री के साथ में पूरा देश अभिनंदन का इंतजार कर रहा है वो बेसब्री अजमेर में भी दिखने को मिल रही है। लगातार लोग इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर कि कब अभिनंदन वहाँ से आजाद होकर के बाघा बॉर्डर के माध्यम से भारत में पहुँचेंगे। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से अभिनंदन की वापसी हो रही है बड़ी बेसब्री पूरे देश में देखने को मिल रही है। पूरे देश में खुशी का उत्साह है। जिस तरह से पाकिस्तान ने अपनी कायरानापुर हरकत करते हुए हमारे 40 जवानों के ऊपर कायरानापुर घातक हमला किया था और उनका मिग विमान हमारी सीमा में प्रवेश किया, उसको भगाते हुए हमारे जो पायलट थे विंग कमांडर उनकी सीमा में उतर गए थे। आज पाकिस्तान समझ चुका है कि हम हिंदुस्तान से कहीं नहीं टिक सकते, इसलिए उन्होंने सैकुशल हमारे सिपाही को हमारे देश में लौटाया है। अभिनंदन का कितनी बेसब्री से इंतजार, पूरा देश उस भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता है। पूरा देश इंतजार कर रहा है और तेरा पूरा देश सलाम करता है उस भारतीय सेना के उस सैनिक का जिसने पाकिस्तान पे होने के बावजूद भी कोई भी भारत का राज वहां पर नहीं बताया और ऐसे वीर सपूत का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता है। और भारत कि इस चेतावनी को भी पाकिस्तान को स्वीकार करना पड़ेगा कि अब ये एक नए भारत का उदय हुआ है, अगर अब भी उसने अपनी नापाक हरकतों से बाहर नहीं आया तो पूरा पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे अभिनंदन की घर वापसी को लेकर के? पहले तो अगर ये मुंबई हमले में, जब हिंदुस्तान पर मुंबई हमला हुआ था उस समय अगर सर्जिकल स्ट्राइक की जाती तो आज ये पुलवामा का जो शहीद हमारे जो 40 जवान शहीद हुए हैं तो आज हमको शायद देखने को नहीं मिलते। इसलिए एक राजनीतिक तौर से नहीं, ये डिसीजन पहले ही लेना था, मोदी जी है तो ये सब मुमकिन है। देखिए, लोगों को इंतजार है, लोगों में उत्साह है, भारतीय ध्वज के साथ में लगातार लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ में जो अभिनंदन की तस्वीर है उसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। इंतजार के क्षण बेहद कठिनाई से गुजर रहे हैं, सभी को इंतजार है कि कब हमारे देश का लाल अपने देश वापस पहुंचेगा। बिल्कुल देखा जा सकता है किस तरीके से तस्वीरें बयां कर रही हैं, कमोबेश हर जगह एक ही जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। खुशी है लोगों के जहन में, इससे पहले जो गुस्सा था अब उतना ही प्यार है। किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान ने माना है कि जो सैन्य उनके कब्जे में है और उसको रिहा करना ही पड़ेगा। जब डायलॉगबाजी की बात हो रही थी भारत ने दो टूक लहजे में पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं होगा, कोई डायलॉगबाजी नहीं होगी, पहले आपको हमारे सैनिक को रिहा करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई और आगे बातचीत होगी। हालांकि इस बार भारत बातचीत के मूड में बिल्कुल भी नहीं है और ये देख चुके हैं हम जब सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट टू के जरिए पाकिस्तान को उसी की भाषा में उसे जवाब दिया गया था, समझाने की कोशिश की गई थी इस बार हिंदुस्तान की तरफ से और शायद यही भाषा पाकिस्तान को समझ में भी आती है, इसीलिए पाकिस्तान बैकफुट पे नजर भी आ रहा है। अरुण हर्ष जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अरुण, जोधपुर में किस तरीके का माहौल, कैसी तैयारियां चल रही है, वतन वापसी हो रही है अभिनंदन की, अभिनंदन के लिए क्या कुछ खास? प्रिया, मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, जोधपुर से अभिनंदन का बचपन से लगाव था क्योंकि उनके पिताजी जोधपुर एयरबेस स्टेशन पर सर्विस करते थे और जब बचपन जब उनका था या गुजरा था तो वो जोधपुर की इसी जोधपुर की धरती पर स्कूल जो है उसमें पढ़ाई किया करते थे। तो कह सकते हैं कि उनका रिश्ता जोधपुर और राजस्थान से बहुत गहरा रहा, चाहे बात बीकानेर की करे चाहे जोधपुर की करे। और आज जिस तरह से पाकिस्तान ने घुटने टेके उसके बाद अभिनंदन को वापस लौटा रहा है, ये भारत की कूटनीति परिणाम है और राजनेताओं की दृढ़ इच्छा शक्ति जो है वो देखी जा सकती है। जिस तरह से मोदी जी ने दो दिन तक प्रधानमंत्री इमरान से बात नहीं की, उसके बाद दबाव में आकर उसने भारतीय पायलट को छोड़ने का जो निर्णय लिया है और आज पूरा देश इंतजार कर रहा है। जोधपुर में भी लोग इसी तरह से इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग हैं उनसे जानते किस तरह से अभिनंदन का इंतजार कर रहे हैं। मैं सबसे पहले अभिनंदन जी का जोधपुर की नगरी में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और पूरे भारत उसे आज हंसी खुशी कहती है, उनकी दीपावली की तरह उनका उनके आने पे खुशी मना रहे हैं और हमारे इसी जवानों से हमारा देश पूरा गर्व है। और सबसे पहले मैं
धन्यवाद देता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी जी को। उन्होंने कहा था कि मुमकिन है, इन्होंने मुमकिन करके बताया है, और आगे के लिए हमारी सेना, तीनों सेना दिल जोड़ के दुश्मनों के सामना करने के लिए तैयार है, हर मुकाबले पर तैयार है। और मैं अभिनंदन जी का पूरा जोधपुर की ओर के ओर से मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। प्रिया, लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं अभिनंदन का। जिस तरह से जब भी वो बागा बॉर्डर पर पहुँचेंगे, यहाँ पूरी प्लानिंग कर रखी है किस तरह से आतिशबाजी करनी है, और सिर्फ इंतजार उस पल का है कि जब वो भारतीय सीमा में आएंगे तब उसका वेलकम और उस जोरदार तरीके से किया जाएगा। कुछ और लोग हैं, किस तरह से अभिनंदन का आप वेलकम करेंगे, क्या आपके मन में भावना है? हमारा सीना आज गर्व से चौड़ा है। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ अभिनंदन जी का, भारतीय धरा पर बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं सेना को बधाई देना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना सटीक निर्णय लिया। ये प्रधानमंत्री जी की विदेश नीति का ही असर है कि 24 घंटे में हमारे अभिनंदन जी हमारे धरा पर आ रहे हैं, और इतने साल हमने दबाव झेला, इतने साल आतंकवादी गतिविधियाँ हुई, इतने साल हम दबाव में थे, आज दबाव बॉर्डर पार है, पाकिस्तान पूरे दबाव में है और हिंदुस्तान फ्री माइंड है। ये असर हमारे मोदी जी का है, मोदी जी है तो मुमकिन है। किस तरह से देखते हैं आप, किस तरह से वेलकम करेंगे जोधपुर में अभिनंदन का? भारतीय धरती पर सब पूरी दुनिया इंतजार करिए, पूरा